क्लैंपिंग सर्किट। क्लैंपिंग सर्किट वो सर्किट होता है जो कि डीसी लेवल को एसी आउटपुट सिग्नल में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली क्लैंपर सर्किट दो टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा होता है निगेटिव क्लैंपर। तो अभी हम बात करेंगे पॉजिटिव क्लैंपर पे। तो उसके लिए मान ले कि ये एक एसी सोर्स है कुछ इस तरह से, जो कि एसी इनपुट सोर्स है या वोल्टेज कहें या सिग्नल कहें जो भी कहें ये है, और इसे हम अप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव क्लैंपर पे। तो उसके लिए मान लें कि एक पॉजिटिव क्लैंपर है, हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीजें देखेंगे, सर्किट पे हम बात नहीं करेंगे। हम आगे के वीडियोज में सर्किट पे और वर्किंग पे बात करेंगे, सिर्फ हमें ये देखना है कि पॉजिटिव क्लैंपर है क्या। तो ये रहा पॉजिटिव क्लैंपर, और हम जो है यहां से अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज, और जो हमें आउटपुट मिलेगा या फिर आउटपुट जो हम लेंगे वो यहां से लेंगे, ये है आउटपुट। यहां मैं बता दूं कि ये जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट किसके बराबर होगा, वो होगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज प्लस पीक वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि पीक वैल्यू है भी, मैं यहां लिख दे रहा हूं ये पीक, ये होता आउटपुट वोल्टेज के बराबर, मतलब इनपुट वोल्टेज प्लस पीक वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। उसके लिए मान ले कि ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट वोल्टेज को, तो ये आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्सिस है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस एसी सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया जाएगा इस पॉजिटिव क्लैंपर में, और यहां से हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, और इस आउटपुट वोल्टेज को हम यहां ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे या कहीं प्लॉट करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। हमने माना कि इस टाइम पे जो इनपुट वोल्टेज है वो है जीरो, तो यहां पे जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा जीरो, समय पे जो इनपुट वोल्टेज है वो जीरो है, तो इनपुट वोल्टेज जीरो प्लस वीएम बराबर होगा वीएम पे वीएम। तो यहां मान ले कि ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये है वीएम प्लस वीएम। अगर यहां हम 2vm को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक इसी का दुगुना होगा, तो हमने माना ये वो पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट करेगा प्लस 2m। तो अभी जब इनपुट वोल्टेज जीरो है तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिला है वो है vm, तो हम उसे यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वीएम है। और थोड़ी देर बाद वोल्टेज इस तरह से बढ़ता रहा तो पहुंच गया ये मैक्सिमम पे। तो इस टाइम पे देखें, इस टाइम पे जो इनपुट वोल्टेज है टी बाई फोर समय पे जो इनपुट वोल्टेज है वो है वीएम, तो इस समय जो हमें मिलेगा वोल्टेज वो मिलेगा बराबर जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा इस टाइम पे वो मिलेगा वीएम। इनपुट वोल्टेज कितना है टी बाई फोर समय पे, इनपुट वोल्टेज बढ़ के हो गया मैक्सिमम पीक वैल्यू वीएम, तो यहां लिखेंगे हम वीएम प्लस वीएम बराबर टू वीएम। तो
हो गया 2Vm, तो हमने माना कि ये जो T by 4 अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पे है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है T by 4 को, और इस समय यहाँ मुझे लिखना चाहिए, बेहतर होगा अगर मैं लिखूँ T by 4 पे जो हमें मिला है वोल्टेज, जो मिला है 2Vm, और यहाँ पे T बराबर 0 पे जो हमें मिला है वो है Vm, और T by 4 पे जो मिला है 2Vm है। तो यहाँ पे मान ले कि वो पॉइंट T by 4 पे कहाँ मिलेगा हमें, वो मिलेगा 2Vm पे के लिए ये पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट यहाँ होगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पहुंचने के बाद ये घटना शुरू हो गया, कुछ इस तरह से घटना शुरू हुआ, और ये T by 2 समय पे इनपुट वोल्टेज हो गया 0। तो T by 2 समय पे जो इनपुट वोल्टेज था वो हो गया है 0, तो हमें इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो होगा 0 प्लस Vm बराबर Vm। तो T by 2 समय पे अगर मैं इसे दिखाऊं, वो यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट है, इस समय T by 2 पे जो आउटपुट में वोल्टेज मिला है वो मिला है Vm, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, ये Vm, तो पॉइंट यहीं पे मिलेगा, तो ये वो है पॉइंट Vm। फिर क्या हुआ कि इनपुट वोल्टेज अब इस साइड में बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता रहा, फिर यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे जब समय 3T/4 हो गया, उस समय जो इनपुट वोल्टेज है वो हो गया है माइनस Vm। जब ये माइनस Vm होगा तो देखिए हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, समय जो है वो है 3T/4 पे जो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वो मिलेगा कितना है, माइनस Vm, इनपुट वोल्टेज जो है माइनस Vm प्लस Vm बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 0। तो वो टाइम जो आपको दिख रहा है वो टाइम यहां पे होगा, वो टाइम यहां पे आएगा, और इस समय जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में वो 0 मिलेगा। सो ये जो टाइम दिख रहा है आपको ये है 3T/4, यहां पे इनपुट वोल्टेज मिला है 0, तो वो पॉइंट यहां पे बना। तो आगे चल के फिर ये जो इनपुट वोल्टेज है ये घटना शुरू हुआ, घटते घटते टी समय पे फिर 0। जैसे ही ये 0 होता है तो देखिए हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, ये टी समय पे जो आउटपुट में मिलेगा वो 0 प्लस Vm बराबर Vm। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, वो पॉइंट अगर आप देखें इसके नीचे ये लाइन, तो ये है कैपिटल T जो समय है, ये रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट T को, तो इस समय जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिला है वो है Vm, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, वो यहाँ देखें यहाँ पे कुछ वो पॉइंट ये वाला होगा, तो यहाँ पे है ये Vm। तो देखें ग्राफ जो प्लॉट किया जाएगा वो कैसा ग्राफ होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, और ये ऐसा, फिर ये ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं कि यहाँ तिरछा हो गया है, ये सीधा ही है, तो फिर ये बढ़ते हुए फिर इस तरह से, और ये कुछ ऐसा, ये बढ़ते हुए फिर 2Vm के बराबर पहुंचेगा, फिर ये फिर घटेगा, सो ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। यहां ध्यान से अगर देखें तो ये जो AC इनपुट सिग्नल है ये
काटा नहीं है, ये क्लिप नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरा का पूरा, ये जो आपको वेव फॉर्म दिख रहा है यहां से लेकर के पूरा ये शिफ्ट हो गया है, यहां से यहां तक पूरा ये जो वेव फॉर्म आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। और इसका जो पीक टू पीक वैल्यू है, अगर आप देखें पीक टू पीक वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, ये है पीक टू पीक वैल्यू जो है वो है 2 VM, और यहां भी अगर आप देखें यहां से लेकर के यहां तक इसका पीक टू पीक वैल्यू वो एग्जैक्टली सेम है 2 VM। तो कोई भी पोर्शन कटा नहीं है, क्लिपिंग सर्किट में कट जाता है, लेकिन क्लैंपर सर्किट में या कहें क्लैंपिंग सर्किट में कटता नहीं, बल्कि पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में मुझे कहना चाहिए ये पूरा का पूरा वेव फॉर्म जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसका जो पीक टू पीक वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप एसी वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज को मेजर करते हैं तो आप ये पाएंगे जो अप्लाइड वोल्टेज में जो आपको मेजर किए हैं, जो वोल्टेज मिला है इनपुट वोल्टेज जो मिला है, वो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट जो होता है वो इनपुट जो सिग्नल होता है, ऐसी सिग्नल जो होता है उसको क्या करता है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है। और ये जो निगेटिव पीक वैल्यू होता है जो कि माइनस वीएम है, ये यहां पे जीरो पे टच करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं निगेटिव क्लैंपर क्या होता है। तो माना हमने एक निगेटिव क्लैंपर है और हम इस निगेटिव क्लैंपर में ये वाला इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और हम यहां से इस साइड से जो है आउटपुट प्राप्त करेंगे। ये जो आउटपुट हमें मिलेगा उसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो हम यहां पे प्लॉट करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होगा किसके बराबर, देखें आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा इनपुट वोल्टेज माइनस, पॉजिटिव क्लैंपर में ये प्लस होता है लेकिन ये निगेटिव क्लैंपर है तो यहां पर माइनस होगा, माइनस वीएम। वीएम क्या है, पीक वैल्यू इनपुट सिग्नल का है, मैं यहां लिख दे रहा हूं पीक पीक। तो जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो टी बराबर जीरो पर, ये पॉइंट दर्शा रहा है ये वाला, तो टी बराबर जीरो पर जो इनपुट वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। तो टी बराबर जीरो पे इनपुट वोल्टेज जीरो होगा तो आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो कितना होगा, तो आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज जीरो है माइनस वीएम, ये बराबर होगा माइनस वीएम के। तो ये पॉइंट कहां मिलेगा हमें आउटपुट में, आउटपुट में ये जो पॉइंट मिलेगा टी बराबर जीरो ये पॉइंट है और जो माइनस वीएम होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इस तरह से इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे ये बढ़ता रहा समय के साथ, कुछ इस तरह से ये बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते टी बाय फोर समय पे ये हो गया प्लस वीएम। जब टी बाय फोर समय पे ये प्लस वीएम हो गया तो उस समय टी बाय फोर पर हमें आउटपुट में देखें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज हो गया है प्लस वीएम। तो वीएम यहां प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीएम माइनस वीएम प्लस वीएम, और ये माइनस वीएम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो मिलेगा जीरो। तो आउटपुट में देखें वो पॉइंट कहां पर होगा, टी बाय फोर के नीचे देखें ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पर, ये पॉइंट दर्शा रहा है टी बाय फोर को, टी बाय फोर को, और यही पॉइंट वो होगा जहां पर वोल्टेज जीरो होगा। तो ये पॉइंट हो गया। तो धीरे धीरे इनपुट वोल्टेज घटना शुरू हुआ और घटते घटते टी बाय टू समय पे ये फिर जीरो। तो टी बाय टू समय पे देखें हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, टी बाय टू समय पे चूंकि इनपुट वोल्टेज जीरो हो गया है तो आउटपुट वोल्टेज देखें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज जीरो है माइनस वीएम, ये बराबर होगा माइनस वीएम के। तो ये पॉइंट कहां पर होगा, तो यहां देखें ये जो पॉइंट दर्शा रहा है ये वाला पॉइंट, ये दर्शा रहा है टी बाय टू को
टी बाई टू को, और जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है इस समय वो मिल रहा है माइनस वी एम। तो ये पॉइंट देखें कहाँ पर होगा, इससे थोड़ा आगे बढ़ाएं और इससे अगर आप बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यही वाला वो पॉइंट होगा जहां पर टी बाई टू समय पे आउटपुट वोल्टेज माइनस वी एम होगा। तो अब क्या हुआ कि इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे इस साइड में दूसरे डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया है 3T/4 समय पे, ये हो गया है माइनस वी एम। तो 3T/4 पे देखे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जब 3T/4 समय आएगा तो उस समय देखे आउटपुट जो होगा वो होगा 3T/4 पे जो इनपुट वोल्टेज है हो गया है माइनस वी एम के, तो वो होगा इनपुट वोल्टेज माइनस वी एम माइनस वी एम, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा हो जाएगा माइनस टू वी एम के। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दर्शा रहा है, ये पॉइंट दर्शा रहा है 3T/4 को, और इस समय जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है मिल रहा है माइनस टू वी एम। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से लेकर के यहां तक अगर देखें दोनों को, जहां कट करेंगे वही पॉइंट बनेगा, तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो यही वो पॉइंट होगा जहां पर 3T/4 पे आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होगा माइनस टू वी एम। तो ये रहा वो पॉइंट। तो फिर जो है अब इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे ये घटना शुरू हुआ, और टी पे जाकर के समय जब टी पे आया, समय टी आया तो उस समय इनपुट वोल्टेज जो है वो हो गया जीरो। तो टी समय पर जब इनपुट वोल्टेज जीरो हो गया है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जीरो है माइनस वी एम, ये बराबर होगा माइनस वी एम के। तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिलेगा यहां से देखें, ये पॉइंट जो मिलेगा ये होगा टी, और इस समय जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस वी एम। तो ये पॉइंट यहां पर होगा, दोनों को अगर मिलाएं कुछ इस तरह से तो ये पॉइंट जो बनेगा यही वो पॉइंट होगा जहां पर समय टी पे आउटपुट वोल्टेज जो हो रहा है वो माइनस वी एम बन रहा है। तो अगर हम वेव फॉर्म को बनाना चाहते हैं आउटपुट वोल्टेज में तो देखें वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, ये प्रोसेस आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो ये पूरी तरह से ये इनपुट सिग्नल है, ये जो आपको दिख रहा है इनपुट सिग्नल, ये पूरी तरह से क्या हुआ है कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर इसका पीक टू पीक वैल्यू देखें, पीक टू पीक वैल्यू जो होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये होगा 2 VM, और इस साइड अगर आप देखें पीक टू पीक वैल्यू वो एग्जैक्टली सेम है, ये पीक टू पीक वैल्यू है 2 VM। तो पीक टू पीक वैल्यू दोनों सेम है, और जो वेव फॉर्म बन रहा आउटपुट में वो उसका जो शेप है वो इनपुट वोल्टेज के शेप से डिफरेंट नहीं है, मतलब उसका शेप नहीं बदलता है, बल्कि निगेटिव क्लैंप पर इनपुट सिग्नल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, उसका शेप बिल्कुल नहीं बदलता। क्लिपिंग सर्किट में कट जाता है कुछ पोर्शन, लेकिन निगेटिव क्लैंपर में पूरी तरह से इनपुट सिग्नल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। क्लैंप का मतलब ही होता है शिफ्ट कर देना, क्लैंपर का मतलब होता है बेसिकली शिफ्ट कर देना, तो ये शिफ्ट कर देता है। ये तो था बेसिक वीडियो क्लैंपर सर्किट से रिलेटेड। आगे की वीडियोज में हम इसके वर्किंग पे बात करेंगे, पॉजिटिव क्लैंपर और निगेटिव क्लैंपर के वर्किंग पे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।